आज के आगाज का इफ्तिताह का ऐलान करता हूं। मौजूद खवातीन हज़रात, इन खेलों की ये रिवायत है कि इन खेलों का आगाज और इख्तिताम के दौरान, पूरे खेलों के दौरान, यहाँ पे जो हमारे दाएं जाने पे सामने एक मशल नजर आ रही है, इसे रोशन करेंगे। हमारी जो टॉर्च है वो ग्राउंड में दाखिल हो चुकी है, हमारे सामने टॉर्च बेयरर मौजूद है, हयातुल्ला दुरानी साहब, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, प्रेसिडेंशियल अवार्ड, ब्रिटिश कॉनवे लीजेंड, इंटरनेशनल एथलीट यहाँ पे मौजूद हैं, जो यहाँ से टॉर्च का सफर का आगाज करेंगे। ये टॉर्च रैली अपने सफर का आगाज कर चुकी है। यहाँ से ये उमर बिलाल इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं, मोहम्मद इकबाल इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं, मोहम्मद जुबैर मंसूर रईसानी इंटरनेशनल प्लेयर हैं, सलीम सदीकी साहब, बंदीर अहमद महमूद इंटरनेशनल फेंसिंग प्लेयर, अब्दुल नवाज, दुल्फकार अहमद, गुलाम अली, आगा मोहम्मद मैंगल, सईद अहमद, राशिद महमूद, सज्जाद खान, इन तमाम प्लेयर्स से होता हुआ ये टॉर्च आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल प्लेयर गुलाम अली, आगा मोहम्मद मैंगल हमारे बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, टॉर्च आगा मोहम्मद मैंगल के पास, वहां से ये सईद अहमद इंटरनेशनल प्लेयर हैं, राशिद महमूद एशियन गेम्स मेडलिस्ट, सज्जाद खान इंटरनेशनल पाकिस्तान टॉर्च सफर करता हुआ राशिद महमूद से, और अब शेर खान के दस्ते मुबारक से आगे बढ़ता हुआ आहिस्ता आहिस्ता, मेहर दिल सेलिंग इंटरनेशनल, मीरवाइज रोइंग इंटरनेशनल, अबू बकर सेलिंग इंटरनेशनल, निसार खान इंटरनेशनल साइकिलिस्ट, फोर टाइम साउथ एशियन चैंपियन, फिर यहां से ये टॉर्च हमारी बच्चियों के पास, फातिमा इंटरनेशनल वोशू प्लेयर, शाहिदा इंटरनेशनल कराटे प्लेयर, रोजी गोल इंटरनेशनल चैंपियनशिप फेंसिंग, कायनात बी फेंसिंग के प्लेयर हैं, और बरीरा इंटरनेशनल फेंसर, ये प्लेयर्स टॉर्च को पास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बिल्कुल बाएं जानिब आप देख सकते हैं, टॉर्च आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए उनको कराटे मास्टर मुबारक शाह ने करीम को टॉर्च पास किया, फुटबॉलर प्लेयर हैं,
और अब शकील अबासी ओलंपियन थ्री टाइम। शकील अबासी ट्रिपल ओलंपियन, यहां से उन्होंने असगर चंगेजी ओलंपियन सर्विंग डीएसपी बलूचिस्तान पुलिस से इनका ताल्लुक, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लिए बेशुमार एजाजात इन्होंने हासिल किए, एशियन गोल्ड 1992, सैफ गोल्ड पाक कैप्टन 1993, प्रेसिडेंशियल अवार्ड। शकील अबासी यहां पे मौजूद है, ट्रिपल ओलंपियन है, पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान भी रहे और पाकिस्तान के लिए शानदार खेले। मौजूद गौदीन हजरात हमारे पास अगला जो सिलसिला है वो ओथ टेकिंग का है, वसीम अकरम जिनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है, तमाम खिलाड़ियों के बिहाफ पर ओथ लेंगे। वेस्ट एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है बेसबॉल में, आप भी यहाँ तशरीफ ले आए। ओथ लेते वक्त जितने भी हमारे फ्लैग बैरियर हैं वो उनसे गुजारिश है कि वो सामने आ जाएं। फ्लैग बैरियर सेमी सर्कल पोजीशन में खड़े हो जाएं आगे ताकि ओथ ली जा सके। तमाम खिलाड़ी ओथ के लिए भी तैयार रहे, टाइम की हमारे पास थोड़ी सी कमी है इसलिए ओथ भी साथ ही हो जाएगा। जी हम अहद करते हैं कि हम 34वीं नेशनल गेम्स क्वेटा 2023 में पूरी मेहनत लगन और ईमानदारी के साथ शिरकत करेंगे। कवायद जवाबत की पासदारी करते हुए हम अपने अदारे के साथ साथ अपने वतन अजीज का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, इसके साथ ही हमारी बेन मशल भी रोशन हो गई, एक बार तालियां बजाकर। इसके साथ ही अब हम गुजारिश करेंगे ओलंपियन सदफ सिद्दीकी से जिनका ताल्लुक भी पाकिस्तान आर्मी से है, आप टेक्निकल ऑफिशियल्स के बिहाफ पे हल्फ लेंगी, 2000 बीजिंग ओलंपिक में शिरकत की और एज एन एथलीट अपने कैरियर का आगाज इसी ग्राउंड से किया।